Hello, my dear students. So this is your art and education class. This is your book, Aesthetics Art, Class 8. Today we are going to make still life painting on page number 23. So in this painting, we are going to make some dots. So you can say this painting dot painting also. So before wasting the time, let's get started. Here I'm using green color. जो भी आपको यहाँ पर color show हो रहा है आप वो color use करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी color use नहीं कर सकते हैं, because this is still life painting and here you can see some fruits or vegetables. अगर यहाँ पर कोई फिगरेटिव पेंटिंग होती तो आप उसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते थे, कोई भी शेड, बट यहाँ पर ये स्टिल लाइफ है तो इसलिए जो भी कलर यहाँ पर हमें शो हो रहा है इस ये डेमो में वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर के डॉट्स लगा देंगे. डॉट्स आपको जो ये आपका कॉम्पोजिशन है ऑलरेडी ड्रॉन है स्टिल लाइफ, तो इसको हमें सिर्फ जो इनर साइड वाला है इसमें पार्ट उसी के अंदर हमें डॉट्स को फिल करना है. यहाँ पर हम येलो का शेड भी लगाएंगे, येलो डॉट्स. यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा लाइट शेड हमें नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हमें येलो कलर के यूज़ करेंगे. यहाँ पर जो लाइट शेड हमें नज़र आ रहा है वो है येलो का, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपको लाइट शेड नज़र आता है येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, तो आप पहले लाइट शेड को फिल कर सकते हैं येलो कलर के साथ. इसी तरह से जहाँ पर भी लाइट शेड यहाँ पर नज़र आता है, यहाँ पर नज़र आता है, यहाँ तो उसको येलो कलर से फिल करेंगे. ग्रेप्स में हमें थोड़ा लाइट ग्रीन शेड का यूज़ करना है और डार्क दोनों शेड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और कहीं कहीं पर येलो का टच डालना है. जैसे यहाँ पर मैंने कहीं कहीं पर येलो का टच लिया है.
जहाँ पर आपको डार्कनेस भी ज़्यादा दिखता है वहाँ पर आप डार्क कलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑरेंज में येलो कलर के साथ पिंक पर रेड और ऑरेंज का शेड डालना। यहाँ पर हमने सभी लाइट और डार्क शेड का यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। जहाँ पर ब्लैक कलर की नीड हमें लगती है कि जहाँ पर डेप्थ को हमें शो करना है, लाइक यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ है, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लैक कलर। आप ब्लैक स्केच पेन की जगह पर ब्लैक मार्कर, ब्लैक जेल पेन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डॉट्स के लिए स्केचेस का यूज़ किया है। आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीड्स उनको बनाने हैं ब्लैक कलर के। दिस पेंटिंग इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा डेप्थ के लिए हम ब्लैक कलर से डॉट्स बनाएंगे। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाले डॉट्स, ये वाले यहाँ पर हम बनाएंगे। नाउ दिस पेंटिंग इज़ कम्प्लीटेड, दिस इज डॉट्स लाइक पेंटिंग। तो ये पेंटिंग आपको पेज नंबर 23 पर है आपकी बुक में, एस्थेटिक आर्ट में। ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है और ये आपको अपनी फाइल में भी बनानी है। तो इसी तरह से जैसे हमने ये डॉट पेंटिंग में स्टिल लाइफ बनाई है, इसी तरह से आप इसमें लैंडस्केप, स्टिल लाइफ और कंपोजिशन कुछ भी बना सकते हैं। डेली लाइफ सीन्स भी आप इसमें बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डॉट पेंटिंग या डॉट आर्ट भी आप कह सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में और अपनी फाइल में। थैंक यू।